ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज हम लोग अपने चैनल पे कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाले हैं। कोई व्लॉग नहीं आने वाला है, कोई हॉल वीडियो नहीं होने वाली है और ना ही कोई चैलेंज वीडियो होने वाली है। ये है हु नोज मी बेटर। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दो लोगों से मिलवाने वाली हूँ जो कि जिनसे मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूंगी और पहचानेंगे कि कौन मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ पहले कंटेस्टेंट से जो कि है मेरी मम्मा। आओ सो पहली कंटेस्टेंट है, बैठो। सो पहली कंटेस्टेंट रहेंगी मम्मा। हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को मेरा तरफ से गुड मॉर्निंग। चलो, और दूसरे कंटेस्टेंट होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान। आ जाओ, अब हम दूसरे इंसान से मिलाने वाले हैं जो कि है मेरा भाई कुन्नो। सिर्फ मैं ही बेटा क्लैप में बैठे। तो दूसरे इस इंसान को तो आप जानते होंगे, हमेशा मेरी वीडियो में दिख जाता है। तो ये दोनों रहने वाले हैं कंटेस्टेंट। इन दोनों से मैं पूछने वाली हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन। ये तो बता, मेरा कॉम्पिटिशन कौन है? ये कहाँ है? ये है माँ तेरी माँ। ये तो कुछ है ही नहीं मेरे सामने। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कौन जीतेगा दोनों में से। कोई तगड़ा बुलाओ यार। मैंने कुछ 15 क्वेश्चन जो है रेडी कर रखे हैं। कल शाम को मैंने सारे नोट डाउन कर लिए थे और दोनों में से एक भी क्वेश्चन मैंने इन लोगों को किसी को भी नहीं दिखाया दोनों में से। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हैं और उसमें 15 राउंड होंगे ऑफ कोर्स, और जिसको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो जीत गया। सुनो, टेंशन मत लो, एक दो आपको सही बताने दूंगा, ठीक है? अच्छा, और पॉइंट सिस्टम क्या होगा ये भी तो बताना। जो एक क्वेश्चन का आंसर पहले बता देगा उसका। ऐसे तो एक नेगेटिव भी होना चाहिए, जैसे अगर एक गलत बताया तो 0.5 मार्क्स कटेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होना है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं चल रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन राउंड चल रहा है। तुम लोग थोड़ा आगे बैठो ताकि तुम्हें क्वेश्चंस दिखे ना। 15 क्वेश्चंस बहुत कम है। चलो, पता भी नहीं है भैया ये दोनों बच्चे कर जा रहे हैं मेरे। अच्छा, देखो मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछूंगी, 15 क्वेश्चन होंगे। अगर आप दोनों में से जिसने पहले टैप कर दिया मुझे, सुन ले, पहले जिसने मेरे हाथ में यहाँ पे क्लैप कर दिया उसको बताने का, नहीं उसको पहले बताने का मौका मिलेगा कि मेरा मतलब दोनों में से किसका आंसर सही है। आप समझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? मैं ऐसे क्लैप रखूंगी तो आपको एक क्लैप करनी है, आपको पता होगा उसका आंसर। नहीं होगा तो करूंगा। और अगर नहीं भी पता होगा, अगर आपको बारी चाहिए होगी तब भी आप पहले क्लैप करोगे, आपको पहला मिलेगा। कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप जीत जाओगे, टेंशन मत लो। स्टार्ट करें। लेकिन अगर दोनों को आंसर नहीं पता होगा तो तब तो एक ऑप्शन मिलने चाहिए ना, दो ऑप्शन। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तब मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे दूंगी, ठीक हो गया? ठीक हो गया। और एक बात, डर क्यों रहे हो? ठीक हो गया। और हम मल्टीपल आंसर दे सकते हैं ना क्वेश्चन के? मल्टीपल आंसर क्यों दोगे, एक ही आंसर देने की है। अगर वो गलत हो गया तो हम अपना सेकंड गेस तो कर सकते हैं। नहीं, सेकंड गेस सेकंड मतलब गेस के तीन मौके मिले। नहीं, एक ही गेस करना है बस। मम्मा आप समझ गए, ठीक हो गया। और दोनों मुझे टैप करना, ठीक है? लेकिन हाँ, ये कर लो पहले, पता तो चलना चाहिए दोनों में से कौन पहले आंसर देना चाहता है। नहीं, इतनी देर से मानने की नहीं हो रही है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। हम लोग और बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगी और हाथ आगे रखूंगी, ठीक है? क्लैप करना है आप लोगों को। चीट करके जीत पाओगे, ठीक हो गया? रुको एक मिनट, दोनों के पॉइंट्स भी तो पता चलने चाहिए ना। क्वेश्चन नहीं दिखेंगे किसी को भी। ये है कुणाल का पॉइंट, यहाँ पे विनर भी लिख दे, और ये है मम्मा का पॉइंट, और इसमें लूजर लग गया जैकेट में, ठीक है? 15 क्वेश्चन है पूरे, 15 मेरे साइड कर ले, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक हो गया? अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि YouTube में मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? मुझे भी पता है, लेकिन पहला टैग कुणाल ने किया है। 1300 प्लस। गलत आंसर है ये, मम्मी आप बताओ। इनका भी पता है क्या? 12 है सर, 12 नहीं है ये, ऐसा कुछ 12 नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट बताओ आपको कितना याद है? 1200 कितना है? नहीं मम्मी, लेकिन ठीक पहुंची है। जो अप्रोक्स में पहुंचेगा वो भी तो बता सकता है ना। तूने बोला 3000 है जो कि गलत है। 1300 दी, 1300 तूने तीन मम्मी से 1300 बोला, 1300 तो इसने 1300 बोला है और मम्मी ने बोला 1200, तो 1200 के अप्रोक्स है। मेरे अभी फॉलोवर्स हैं 1278, तो अप्रोक्स में तो मैं जीत गया, तो इस हिसाब से कुणाल जीत गया है। तूने लेकिन
1300 बोला, चेक कर सकते हो पक्का ना? हाँ हाँ चेक कर लो, अरे वीडियो में चेक करो भाई। सो गाइस अभी हम लोगों ने वीडियो चेक कर लिया और कुणाल ने बोला था 1300 प्लस, लेकिन तूने प्लस भी बोला था यार। 1300 तो अप्रोक्स है ना? नहीं प्लस की बात तो शूटिंग हो गई है, मम्मी जीत गई है। अरे ये क्या चीटिंग, चलो ये कोई भी नहीं जीता, ठीक है दोनों को दिख रहा है। अरे हाँ मुझे पता ही नहीं है, चलो इसमें लिखा होना गड़बड़ रहा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू रेडी? रेडी 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 रेडी। चलो अब बताओ इंस्टाग्राम में मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? कितने हैं? पहले पहले तो चलो बताओ। 32 आपको नहीं, आपको नहीं बोला, पहले कुणाल बताएगा इंस्टाग्राम में ना, ऐसे सोच रहा जैसे कि ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम दे रहा होगा। अभी आप सोच रहे हो ना, लेकिन पहले कुणाल बताएगा उसके बाद। 8000 के अप्रोक्स है। नहीं 7000। हाँ चलो, तो तेरा आंसर 8000 है ना? 8000 के अप्रोक्स। 7000 इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स है 7600, तो इसमें मम्मा जीत गई है, सच में इतनी है, मजाक नहीं कर रही हूं। अबे मम्मा जीत गए, हमारा सीना चढ़ा होगा कुछ। तो इस हिसाब से अभी दोनों के बराबर पॉइंट चल रहे हैं, इसका भी वन है, मम्मा का भी वन है। अब हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बोलिए। चलो आइए, आर यू रेडी? रेडी। बताओ बोलिए मेरा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? आम। वाटरमेलन ऑब्वियसली। मम्मी एक मिनट, टैप जो पहले टैप करेगा मम्मी उसको पहले मौका दिया, तो कुणाल ने पहले दिया और आंसर भी कुणाल ने लिख दिया, वाटरमेलन मेरा फेवरेट है। और ये कब का ना वैसी बोल रही, इतना ऑब्वियस है आंसर, मम्मी इतना खाती है वो, बहुत खाती, मुझे पता है ना, पूरे गर्मी में मांगती रही है लोगों से ले आओ। तो कुणाल ने आंसर सही दिया है और जीत गया, और मेरा फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन है। ठीक है, और मम्मी जब टैप हो जाएगा ना, तो जो पहले बताएगा, मैं जिसको बोलूंगी ना पहले बताने के लिए, वो पहले आंसर देगा। ठीक है, चीटिंग वीटिंग। हाँ हार गई, मुझे पता था मेरी बिटिया खरबूजा अच्छा मानती करके, लेकिन मैं चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है आर यू रेडी? यस। एक मिनट मम्मी, थोड़ा आप उधर कैमरे की तरफ फेस करके बैठे, तो आप मेरी तरफ फेस करके बैठे तो लग रहा है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठो, मैंने 12th कब पास आउट किया था? चलो मैं बताया, सोचो तो सही मम्मी, हिसाब लगाओ, थोड़ा ऊपर करके हिसाब लगाओ मम्मी, कैमरे में भी दिखना चाहिए, आप हिसाब लगा रहे हो। आप अभी नहीं मुंह बंद रखो, आप अपना तो बता। 70 फिर मम्मी आपको नहीं बोलना था ना, फीटिंग कर रहे हो मेरे, कितना टाइम लगा रहे हैं। चल फिर जल्दी सोच, जल्दी बता मम्मी, आप भी हिसाब लगा के मुंह बंद करके आंसर याद रख लो, बस मंत्र पढ़ रहा हूँ। 2017 मम्मी आप बताओ। मैंने भी वही बताया था, तो आपने क्या बताया? 17। तो पहले ऑब्वियसली मेरा आंसर पहले रिकमेंडेशन आएगा ना। ठीक है, दोनों का 2017 ना, लॉक कर दिया जाए, तेरा भी, तेरा भी लॉक कर दिया जाए। 2016 तेरा क्या आंसर फाइनल? 2016 मम्मी आपका क्या फाइनल? 17। अच्छा तो अब मैं बताती हूँ कि दोनों में से कौन राइट है, कुणाल का है 2016, मम्मा का है 2017, और मैंने जो 12th पास आउट किया था वो था 2016 में। इसलिए तो है मम्मा फिर से हार गई है। तो मेरे जीरे जीरे बनाई क्या? अब आप आंसर ही नहीं बता रहे तो क्या करा जा सकता है? मम्मा आप जीत सकते हो, थोड़ा स्पिरिट रखो, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं, हमसे कहां जीत पाओगे। चलो अब ये क्वेश्चन जो है मम्मी, इसका आंसर आपको पता होगा, ठीक है, आप पहले ना टैप कर देना और मुंह बंद करके आंसर सोच लेना, बाहर का मौसम मत देखो, ठीक है मम्मी? जिसको आंसर पता होगा मुंह बंद करके रहना, बस टैप कर देना पहले। तो अभी तक 4 सवाल हो गए हैं, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। मम्मा आप रेडी हो? बिल्कुल रेडी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मम्मी ताली भी देनी है ठीक है, बोलना नहीं। मेरा लड़कों में और लड़कियों में बेस्ट फ्रेंड कौन है? पहले कुणाल ने टाइप किया है। मानसिदी और सर। सर क्या नाम बता? सर। सर क्या नाम बता? सर है। ये नाम नहीं बताएगा तो तेरे पॉइंट नहीं मिलेंगे तुझे। तेरे पास सिर्फ एक मिनट है, अगर तूने नाम ले लिया तो तुझे पॉइंट मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। दे दो, दे दो पॉइंट। सर नहीं लेगा तू नाम? नहीं नहीं। चल मम्मी आप बताओ। लड़कों में है मानसी, सॉरी लड़कियों में है मानसी और लड़कों में है नीरज, तो इसके पॉइंट मिलेंगे मम्मी को क्योंकि कुणाल ने नाम नहीं लिया। सर क्या होता है? हमें नहीं पता भाई, इतने सारे सर होते हैं ना मम्मी। नाम लेना चाहिए वही तो। नाम ले फिर भी नाम नहीं। अरे हम जीत रहे हैं भाई 3-0 से, 3-2 से। ये कर लो पहले। नाम नहीं लेके मेरे आंख में आंसू निकलवा दिया, आप समझो कि क्या है। थोड़ा रिलैक्स होने भैया, कुछ नहीं है, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, मैंने चश्मा पहनना कब स्टार्ट किया था? पहले कुणाल ने मारा है, सोच के मुंह में रख लेना। बट क्लास बतानी है या फिर ईयर? क्लास बताओ। चलो क्लास में। और ये अप्रोक्स नहीं चलेगा ठीक है, बताने तो वो बताना है, एग्जैक्ट बताना है। तू 11th में दोनों से गई थी ना? हां 11th में। हाँ। मम्मी आप बताओ। 10th। तो आपका आंसर है 10th, कुणाल का आंसर है 11th और इसमें जीत चुकी है मम्मा क्योंकि मैंने 10th से चश्मा पहनना स्टार्ट किया था। ये तो कुणाल के 0 पॉइंट और मम्मा को 1 पॉइंट मिलता हुआ यहाँ पर, और अब दोनों जने बराबर की स्टेज में आ गए। अब मेरा सांस कुछ बढ़ा। अब हमारा है 7th क्वेश्चन 7th राउंड के साथ। चलो बताना ठीक है मम्मा, रेडी कुणाल? रेडी। तो बताओ कि मेरा फेवरेट खाने में क्या है? ऑप्शन दे रही हूँ एक मिनट, पाव भाजी या छोले भटूरे? कुणाल जीत रहा है फिर से, बताओ। पाव भाजी। मम्मी आप बताओ। मम्मी सेम आंसर रिपीट थोड़ी करेंगी ये। अरे नहीं बट फिर भी इनका आंसर क्या है सुने तो सही। हाँ। चलो बताओ। भटूरे तो खाते है नहीं। छोले चावल कहती मैं बता देती। आपकी तरफ से क्या आंसर है बताओ दोनों? मैंने दो ऑप्शन दिए, पाव भाजी या छोले भटूरे, क्या आपको क्या लगता है? ये क्या हो गया इनको? बताओ बताओ। पाव भाजी बोलोगे तब भी आपका आंसर, क्योंकि पहले मैंने गाली दी है। अच्छा दोनों में से दो दे। क्या जो आपको लगता है आप वो बताओ, पाव भाजी या छोले भटूरे? छोले भटूरे कर दिया मैंने। ठीक है तो इसमें मम्मा ने आंसर दिया है छोले भटूरे, कुणाल ने आंसर दिया है पाव भाजी, जो की है पाव भाजी। तो कुणाल जीत चुका है ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। मम्मा थोड़ा एनर्जेटिक रहो ना, कोई बात नहीं, हार भी रहे तो क्या हो गया। चलो चैंपियंस हार गए। अब है लास्ट क्यों, अभी 8th राउंड है और अब इसके बाद बताओगे कि मेरी फेवरेट चॉकलेट क्या है? डेरी मिल्क यार, ऑब्वियसली डेरी मिल्क। मम्मी क्या ही बता, आप जल्दी टैग क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे बता दी क्या बताऊँ, आपको क्या लगता क्या है? डेरी मिल्क तो खाती है। डेरी मिल्क इज द राइट आंसर, बट कुणाल को पॉइंट्स मिलेंगे, मम्मा को 0 मिलेगा। इसके बाद है 9th राउंड, चलो बता रहे ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ।
क्या बताओ मुझे पहनने में क्या पसंद है, इंडियन वियर या वेस्टर्न वियर? इंडियन। मम्मी यार आंसर क्यों देने लग रही है? सो सॉरी गलती। इंडियन वियर में सूट और साड़ी हो गई। हाँ। और वेस्टर्न वियर में जो जी वो जीन्स ड्रेसेस ये सारी चीजें वेस्टर्न वियर हो गए। मम्मी आपका आंसर क्या है? वेस्टर्न में क्या था? वेस्टर्न वियर में वही चीज आती है जैसे ड्रेस हो गया, जीन्स वगैरह हो गई, पजामा, ये सारी चीजें हो गई। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या पसंद है वेस्टर्न? ऑब्वियसली मैं पहले इंडियन बोला है भाई। तूने तो इंडियन वियर बोल दिया है। मैंने वेस्टर्न बोला है भाई। मैंने वेस्टर्न बोला है। तूने वेस्टर्न बोला है। मम्मी ने क्या बोला है? इंडियन वियर बोला है ना। ठीक है, तो कुणाल का आंसर था वेस्टर्न वियर और मम्मी का आंसर है इंडियन वियर, बट मुझे पहनने में पसंद है इंडियन वियर। तो मम्मी जीत चुकी है ये राउंड। दिन भर ये जींस पहनते रहती है दिन भर। अरे ऐसी बात नहीं, जींस पहनती रहती हूँ, बट मुझे ज्यादा पहनने में वो पसंद है ना। अब ऐसा इंडियन नहीं पहनती। नहीं तो ये वहाँ की है। मुझे पहनने में मैंने बोला मुझे क्या पसंद है, तो मुझे इंडियन वियर ही पहनने में पसंद है, साड़ी लहंगे ये सारी चीजें। हेलो सर, सूट मंगा लो, साड़ी मंगा लो, सारे जो टॉप और जीन्स है सब फेंक दो बाहर, दान कर दो जो दो इतनी अलमारी रखी पड़ी है। लहंगा तो इसमें मम्मी जीत चुकी है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मैं। जो टैप करेगा पहले वो आंसर पहले देगा और मैं बताऊंगी कि आंसर कौन देगा पहले। समझ गए मम्मी? बताओ अभी तक मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कितने कोलैबोरेशन मिल गए हैं? ओ बेटा क्या हाथ तोड़ देगा मेरा? अभी बता। पेड बार्टर कोलैबोरेशन, कोई से भी कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशन ना, कोई से भी कोलैबोरेशन कितने मिल गए हैं? दो मम्मी का आंसर है तीन और राइट आंसर है तीन। क्योंकि बताती हूँ, मुझे एक जूप बैग की ओर से मिला था, एक स्टैमियो की तरफ से मिला था और एक इंस्टाग्राम पेज से मिला था, उसका नाम था जिसमें मुझे सूट ऑफर हुए थे वो येलो वाले। चलो बताओ मैं ब्रश करते वक्त कौन सा टूथपेस्ट यूज करती हूँ? पहले मम्मी आप आंसर देते हो? आप आंसर नहीं दे सकते, मैं पहले टैप को नाले की आई हूँ कि उसका मेरा नाम नहीं आ रहा, मैं नाम याद कर रही हूँ। तो Obviously, Glister, Ambega. Yes. तो कुणाल ने आंसर सही दिया है, मैं एम्बे का ग्लिस्टर यूज करती हूँ, उसको पॉइंट मिलते हुए। ओके सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला कौन सा 12th क्वेश्चन है। चलो बताओ मुझे पहले पूरा क्वेश्चन बोलने देना, उसके बाद टैप करना, ठीक है? मेरा हाथ मारने में देर हो रहा है। तो आप इधर साइड बैठ जाना, कोई बात नहीं हो तो रीजंस। फिर भी तो आंसर मिल ही रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना। चलो बताओ मैं जो है सारे प्रोडक्ट्स कौन सी ब्रांड के यूज करती हूँ, जैसे कि फेस वॉश, शैम्पू, ये सारी चीजें। मम्मी ने पहले टैप किया। मम्मी ने क्वेश्चन कंप्यूटर उनसे पहले मारा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मम्मी ने पहले टैप किया। चलो बताओ। आप मेरी गलती नहीं है। चलो बताओ कौन सी क्या नाम है उसका? अबे तेरी बारे में कोई बात नहीं, मम्मी के बारे में वन। मैं नाम भूल गई उसका। मेरी गलती नहीं, नहीं नहीं मेरी गलती नहीं, चीटिंग थोड़ी होगी थी, अन्ना तो आंसर बता सकती है। नाम भूल गई यार मैं। 10। चलो एक मिनट, चलो ऑप्शन क्यों मिलेंगे भैया? मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, मैं मम्मी से पूछ रही हूँ कि आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बताओ मम्मी आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना मम्मी। जबकि घर में ही पढ़ा है, नाम नहीं आ रहा। ऐसे छोटे बच्चों की तरह टीचर बता दो प्लीज। बताओ बताओ जल्दी बताओ, नहीं याद आ रहा है? नहीं याद ना, ऑब्वियसली नहीं याद आ रहा है। कहाँ
कहाँ जा रहे हो वीडियो से बाहर वीडियो के अंदर ही जाओ निया नयन चलो कुणाल तू बता मामा अर्थ हाँ तो जीत गए कुणाल और मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ के प्रोडक्ट मामा 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 कह रही थी लेकिन मेरे को नाम नहीं आया नाम चलो अब इसके बाद है नेक्स्ट राउंड और ये है 13th क्वेश्चन और अब बताते हैं किसको पता होगा ये वाला आंसर बताओ 13th क्वेश्चन में कि मेरी फेवरेट मिठाई कौन सी है तू मेरा हाथ तोड़ देगा कि इतने इतने संभाल के फिर बता कौन सी है परसों हमारा डिस्कशन हुआ था इस मिठाई को लेके शाम को अरे यहाँ से लाए भी थे भाई ये इसकी हमसे कर रहे हैं सेंचुरी से लाए थे अरे हाँ याद आ गया सीना टोस्ट मम्मी आप बताओ वही तो है वही नहीं आप मैं आप बताओ सीना टोस्ट तो है सीना टोस्ट है मैं तेरे को प्रेफरेंस ही बता दूँ तेरी प्रेफरेंस भाई सीना टोस्ट के बाद कौन सी पसंद है मिल्क केक ठीक हो गया तो इसका आंसर ऑब्वियसली कुणाल जी का है मुझे पसंद है सीना टोस्ट उसके बाद है मिल्क केक मैं मिल्क केक को सुनी टोस्ट करता है बीच में कंफ्यूजन हो गया बेटा तेरे को नाम याद हो गया मेरा नाम तो याद तो दिलाया मैंने यहां से ला रहे करके नहीं मुझे याद आया कि स्टैंडर्ड में भी हम लोग का वाला वो हो रहा था ना शायद तेरे को शाम अरे बीच में भूल भी गई थी यहां मिठाई का डिब्बा हां वही तो था चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि मैं घर में सबसे ज्यादा क्लोज किससे हूं चलो बताओ तू बता अब खुद का नाम कह लो यार मम्मी आप बताओ मेरा कुणाल का है क्या आंसर है कुणाल का लेकिन जीता कुणाल ही है कुणाल ने पहले बता दिया पूरा नाम नहीं बताया मुझे कौन मकान मोल कर मैं तो ये बोला हूँ तो मैं खुद का नाम क्या लूँ मैं यार ये तो वक्त हो रही है तुम्हारे यार ठीक है अभी ये ना लास्ट क्वेश्चन बचा है और अब ये जिसको बताओगे ना वो सच में बहुत अच्छे से जानता है मुझे फिर तो चलो चलो ये मैं टैप नहीं कर रही ठीक है दोनों में तो जिसको आंसर लग रहा है वो बता दो बता ऐसे थोड़े ऐसे दोनों का साथ निकल गया तो कोई बात नहीं दोनों में से इसका साथ हम वीडियो देख के चेक कर लेंगे किसने सही बताया ठीक है मम्मी नहीं टैप करना नहीं टैप करना टैप करना नहीं ना लास्ट थोड़ा ये दूसरा करते हो ठीक है मम्मी बता बता आपको आंसर सीधा ऐसी देखो चलो बताओ मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मैं बताती हूँ कि किसके कितने पॉइंट है पहले मम्मी के पॉइंट बताते हैं जीरो मम्मी ने 15 क्वेश्चंस में से 5 आंसर सही दिए हैं तो मम्मा के टोटल मार्क्स हैं 5 नंबर 10 और कुणाल के आंसर ये ऑब्वियसली 10 तो बच गया तो कुणाल ने जो है 10 आंसर सही बताए हैं तो कुणाल को मिले हैं 10 मार्क्स मम्मी को मिले हैं 5 मार्क्स तो इस हिसाब से हमारे इस हु नोज मी बेटर के चैलेंज पे जो है कुन्नू जीत चुका है ही इज द विनर कुणाल विनर तो मम्मा हार चुकी है और अगर आप लोगों को हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और इस तरीके की वीडियो अच्छी लग रही हो जिसमें आप हम तीनों को एक साथ में देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को जो है लाइक शेयर कमेंट सब कर देना मिलते हैं आप लोगों को एक अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय 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 बोलो बाय